विकास की बात मुखिया जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं राजा तिवारी, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। विकास की बात मुखिया जी के साथ कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र तिवारी जी, जो कि दक्षिणी नैनीजोर पंचायत के मुखिया है। हम आपको बता दें कि यह दक्षिणी नैनीजोर पंचायत ब्रह्मपुर प्रखंड जिला बक्सर के अंतर्गत आता है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि लगभग 2.5 साल के कार्यावधि में इन्होंने अपने पंचायत के लिए कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं। तो सबसे पहले तो मुखिया जी, हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यह जो बिहार सरकार के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना आया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा आपको, क्या विचार है आपका इसके प्रति? ये तो बहुत अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो योजना लेकर चल रहे हैं बिहार में, बहुत सुंदर है। हम लोग को ऐसे यहाँ बहुत तबाही में का कार्य चल रहा है इस समय, तो हमारा पंचायत हम भी कर देते हैं PAT के थ्रू जी, और बगल वाले पंचायत उसमें जनरल वार्ड के द्वारा, वार्ड किरण समिति के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मेरा पंचायत जो है PAT के द्वारा होगा। मुखिया जी, जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं? मेरे पंचायत में सिर्फ मेरे ही गांव है। मेरा गांव जो है बहुत बड़ा है, मेरे गांव में दो पंचायत है, उत्तरी नैनीजोर और दक्षिण नैनीजोर। अच्छा, ये वार्ड कितने हैं आपके दक्षिणी नैनीजोर पंचायत में? दक्षिण नैनीजोर पंचायत में है 15 वार्ड, उत्तरी में है 18 वार्ड। तो आपके दक्षिणी नैनीजोर में 15 वार्ड हैं? जी जी। उसमें कितने चयनित हुए हैं? चयनित सात वार्ड हुआ है। सातों में अभी सात वार्ड हुए हैं। चयनित सात वार्ड हुए। गली नाली पक्कीकरण का काम किस किस वार्ड में चल रहा है? चल रहा है 6 में, महादलित बस्ती है, 11 भी महादलित है और 13 है। 13 तीन में काम मैंने लग चुका है। ये जल नल आपने बताया कि ये तो PSD के अंतर्गत चला गया, उसका काम अभी शुरू हुआ कि नहीं? PSD के ही माध्यम से? ना, अभी नहीं हुआ है, लेकिन सर्वे करके हमने दे दिया है, अब शुरू होने वाला है। PSD का जे आए थे, हर एक 15 वार्ड से मैंने सर्वे करा कर सर्वेक्षण करा कर ले गए यहाँ से। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ये जो स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत घर घर शौचालय निर्माण करवाया जा रहा है, ये आपके पंचायत में अभी लगभग कितने प्रतिशत तक शौचालय बना हुआ है? हमारे पंचायत में ये अभी मुश्किल 20%। बस 20%? 20%। ऐसा क्यों? हैं धांधली है यहाँ। क्या धांधली है? अरे लोग पैसा ले रहे हैं पंचायत में शौचालय के। कौन पैसा ले रहे हैं? अरे ब्लॉक से ना पैसा उगाही हो रहा है, तो ब्लॉक में नोडल सब ले रहा है, कोऑर्डिनेटर ले रहा है, जिसका मन है वो दलाल सब फिट किए हुए पंचायत में पैसा फंसने के लिए। तो इसका तो शौचालय का पैसा बनने के बाद ना मिल रहा है? नहीं, पहले लोग कहता है कि पहले पैसा दे दीजिए, तब से शौचालय का पैसा आपके पास जाएगा। बना कर लोग यहाँ पर फार्म, हम 500 फार्म दिए ब्लॉक में जी, इसका भुगतान किया जाए, लेकिन फार्म का ही पता नहीं चल रहा है कि फार्म ब्लॉक से कहाँ चला जाता है, फार्म ब्लॉक में नहीं रह रहा है भाई ने जाकर क्वालिटर से पूछा, पूरा बगझक हुआ। अच्छा, मेरा फार्म दो। DC लाल साहब के यहाँ गए, DC लाल साहब बोले कि मुखिया जी जितना हो फार्म हमारे पास ला कर दे दीजिए, टोटल 15 वार्ड का हम आपको गांव में शिविर लगा कर पैसा का भुगतान करा देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? बनवा दीजिए। तो फिर 3 दिन के बाद ब्लॉक से मैसेज आया कि यहाँ आदमी आया और बोला JSS, जो मेरे नोडल है यहाँ, JSS बोले कि ऐसा है कि आप मुखिया जी गए थे वहाँ पर जिला में, तो जी साहब बोल रहे थे कि मुखिया जी आए थे, बोले हैं वहीं पर फार्म कलेक्शन करने के लिए, फार्म मान लीजिए कि अब वहाँ आपको नहीं देना है, साहब बोले हैं हमको फार्म दे दीजिए। तो बोले कि हमारा पास कुछ फार्म नहीं, हम नहीं देंगे, जाओ व्हाट्सएप पर समझिए, व्हाट्सएप जाकर फार्म लीजिए। तो उसके बाद क्या प्रक्रिया चल रहा है? ये अभी लगभग कितने दिनों का बाद था? मुश्किल 1 महीना पहले। 1 महीना पहले की बात है। तो अब का क्या पोजीशन चल रहा है? अब का पोजीशन है कि हम लोग शंट लगाए हैं, बैठे हुए हैं, उसी 20% में ही छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए हैं। अब पैसा देंगे तब ना पैसा आएगा, अगर पंचायत का हम पैसा देंगे नहीं। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये एडवांस में ही पैसा मांग रहा है लोग क्या बनवाने के लिए? हाँ, एडवांस में लोग मांग रहे हैं, पहले पैसा दे दीजिए। कितना राशि मांगा जा रहा है? 2000 रुपये लोग मांग रहे हैं। 2000 रुपये? तो इसका सूचना आपने दिया ना? कई बार दे दिया, बहुत लोगों को दिया सूचना, कर दिए थे उसी समय ODF पंचायत को कर दिए थे,
या पैसा भुगतान करा देंगे, ओडीएफ कर दीजिए, ओडीएफ कर दे उसका पैसा, ओडीएफ कर दो, मेरा पंचायत में आ चुका है। मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ओडीएफ कराने की क्या नियम और शर्तें हैं, मतलब ओडीएफ आप कितने प्रतिशत शौचालय बनवाने के बाद कम से कम 50% शौचालय बन जाता तब ओडीएफ होता है। तो अब बताइए कि ये 20% में ही ओडीएफ हो गया। हाँ, शौचालय बना ना, या जो बना है वीडियो साहब को माला कर वार्ड वार्ड तहकीकात कराए, यहाँ पर घुमाए, नाला नया गड्ढा खुदा था, नया सोखता बना था, सब बोले कि हम भुगतान लायक हो चुका है, भुगतान हम करेंगे, लेकिन आज तक किसी का भुगतान नहीं हुआ। मेरे पंचायत में अभी तक 15 वार्ड हैं, मुश्किल में बहुत भुगतान हुआ वो तो 100 पैखाना का पैसा गया होगा। अब आप ही समझ लीजिए कि 15 वार्ड हैं और 100 लैट्रिन का पैसा गया है, तो बताइए कि परसेंट 15 को गुणा कर लीजिए कि 100 का कितना हुआ। जी 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 आया, अभी रोज लोग बोल रहा है कि हथे भुगतान जल्दी करवाइए, लैट्रिन जल्दी बनवाइए, गड्ढा खुदवाइए, यही बगल का मेरा पंचायत है, चाहे बगल का मेरा जिला है, आपको जनता तो आपसे बोलेगी क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि, भोजपुर जिला मेरे बगल से सटे हुए हैं। जी जी, और उस गांव में कुठा पंचायत है मेरे गांव का बगल में, यहाँ पर बहुत सुचारू रूप से लैट्रिन का भुगतान हो रहा है, लोग लैट्रिन बनवा रहे हैं, गड्ढा खोद खोद अपने से लोग जागरूक हैं, यहाँ बनाए हुए जो लोग हैं उसको भी आज तक पैसा न दिया गया न दिया जा रहा है। अच्छा, इस पे अब आप क्या एक्शन ले रहे हैं? हम कुछ एक्शन नहीं लेने वाले, आप शांत हो गए हैं? शांत हो गए हैं कि न पैसा देना है न लेना है, अब चुपचाप बैठ गए हैं, कोई बोलता है कि बनोगे, हमको हमारा फुर्सत नहीं बनवाने का। चलिए, ये जो सात निश्चय योजना है, इस पे आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं सात निश्चय योजना तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं है, इस पर कोई टीका टिप्पणी है, जो टीका टिप्पणी है तो शौचालय पे ही। 2000 से कम का रकम कोई मांगने नहीं आता, 2000 से कोई कम का, उसमें तो मेरा ब्लॉक जो है ना, जो मेरा ब्लॉक है ब्रह्मपुर, हमको लग रहा है कि हमारा ब्लॉक बिहार में सबसे नंबर वन पर मैंने है घुसखोरी के मामले में। घुसखोरी के मामले? हाँ हाँ, एक नंबर, एक ओवर दर्जा का ब्लॉक है, मैंने यहाँ पर कोई बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होने वाला है। अच्छा, उनके उनके नाम बता सकते हैं क्या आप, जो जो अधिकारी मांग रहे हैं पैसा का मांग कर रहे हैं? अरे महाराज, हम तो जानता सब यहाँ पर मेहती तहकीकात करा देंगे, पूरा मेहती में या कहला पंचायत में, लोग जैसे आप मेरे से अथी ले रहे हैं समाचार मेरे पंचायत का, हम उसी तरह से जनता बोले कहो बुला दिए, घंटा बुकी हम बुलाते हैं, लोग हाहाकार कर देगा कि कौन पैसा मांग रहा है कौन पैसा नहीं, लोग भीतर दलाल फिट किया हुआ है पैसा लेने के लिए। चलिए, मुखिया जी जानना चाहेंगे कि आप मुखिया यहाँ पर हर एक चीज में, यहाँ पर हर एक चीज का सुचारू माने कोई ढंग वाला काम नहीं हो रहा है, जनता का माने राशन का वही हाल है, किरासन का वही हाल है, शौचालय का वही हाल है, सब अधिकारी मिला हुआ है, कैसे गरीब मर रहा है, वृद्धा पेंशन का क्या चल रहा है, कुल चीज का वही हाल है, वृद्धा पेंशन में ब्लॉक में जिसका ठीक है चढ़ गया, जिसका अब चढ़ा है 150-200 आदमी मेरे पंचायत के रह गए हैं, बाकी वो लोग जाते हैं तो कोई बोलता है 100 रुपया दो ना, आपको कल ही चढ़ा देंगे। अच्छा, तो ऐसे ऐसे बूढ़ी जाओ ब्लॉक में जिसको खाने के लिए जुगत नहीं है, जाओ तो बोलता है कि 100 रुपया दो हम आपका पेंशन चढ़ा देंगे, यानी पूरा भ्रष्ट सिस्टम हो गया है। भ्रष्ट पूरा ब्रह्मपुर ब्लॉक अपना ओवर भ्रष्ट कहीं नहीं है बिहार में, जितना ब्रह्मपुर ब्लॉक का भ्रष्टता बा उतना कहीं नहीं है, ब्रह्मपुर ब्लॉक अपना भ्रष्ट ही कहीं है ये नहीं है। चलिए, जानना चाहेंगे कि आप मुखिया पहली बार जीते हुए हैं कि इसके पहले भी आप थे मुखिया? ना, पहली बार मैं जीते हैं, मेरे पिताजी थे पहले। अच्छा, इसके पहले आप ही के घर में था? जी जी, मेरे पिताजी 27 साल थे। 27 साल? चलिए, धन्यवाद। तो कुछ और भी बोलना है आपको? नहीं, तो कुछ नहीं, यही बोलना है कि मान लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जी अपने जो निश्चय काम मुख्यमंत्री जब अपने निश्चय योजना लेकर चल रहे हैं सात निश्चय के तहत, तो सात निश्चय में सात काम ना है, ऐसे काम तो है नहीं। जी जी, तो योजना जो है सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें कोई जो जल नल का कार्य है, गली मली का कार्य है, ये सब बढ़िया से हो रहा है, इसमें कोई नहीं है। अगर आप योजना देखना भी चाहते हैं तो जो जो हमारे पंचायत के अंदर योजना हुआ है हम ले चलते हैं, आपको अवगत करा सकते हैं। बस दिक्कत आपको आ रही है शौचालय में? शौचालय में शौचालय का दो चीज में दिक्कत है, हम लोग तबाही हैं, मान लीजिए कि जनता का राशन है आप बेच दीजिए, आप बेच कर खा जाइए, तो इससे तो हम चुप रहने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल,
वो सरकार ने गरीबों के लिए ना, सरकार दे रहे हैं कि आप बेचिए खाइए। नहीं नहीं नहीं, वो जनता के लिए। हाँ, सरकार दे रहे हैं कि लेकिन रोज पेपर न्यूज टीवी सब चैनल से आ रहा है, समाचार से आ रहा है कि आप ये काम कीजिए, बाहर में सोच नहीं कीजिए। हमको बोल रहे हैं कि आप पकड़िए, 200 फाइन लगाइए, लोटा लेकर लोग जा रहे हैं उसको रोकिए। आप जो है बोल रहे हैं कि हमको 2000 रुपया दो तो हम पैसा डालेंगे। विशेष पूछिए पैसा है, लैट्रिन के लोग पैसा लोग मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं? अच्छा एक मिनट, हम उनका ले लेंगे। आइए थोड़ा आगे आइए। जन वितरण प्रणाली का व्यवस्था मेरा यहाँ बहुत मतलब गलत ढंग से चल रहा है। क्या हो रहा है? हो रहा है यही हो रहा है कि जितने लोग जितने मेरे यूनिट का कार्ड है लाभुकों का, तो लाभुकों का कार्ड समय समय पर नहीं दिया जा रहा है। और जिस लाभुक का जिस मैंने क्रेता का यहाँ माल उठता है, जो उठा कर देते हैं डीलर सब, तो बोलता है कि मेरे पास इतना ही यूनिट का माल आया है और ब्लॉक से मिला है मान लीजिए कि 100 यूनिट, यहाँ दिया जाता है 50 यूनिट का माल। और कार्डधारी जो है जिसके पास कार्ड नहीं है, जैसे मेरे यहाँ आग लग गया, जल गया, आज जब राशन के लेने जाता है तो बोलता है कि कार्ड तुम्हारा तो गुम है, जान जाता है जो ब्लॉक जाकर नहीं जो जानता है गुरबक जानता है सब बोलता है कि जहाँ हमारा तो जल गया, आग लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बोलता है कि आपका राशन नहीं, आपका राशन कट गया, जाइए यहाँ से, आपका राशन कट गया, जाइए यहाँ से। और राशन उठा रहे हैं, उठा कर बेचा, उठा कर बेच रहा है। कौन बेच रहे हैं उठा कर? डीलर बेच रहा है। डीलर? हाँ डीलर बेच रहे हैं यहाँ। हम बार बार बोले डीलर से, बोले एमओ से, बोले नया एमओ जो आए हैं इस समय, उनसे 3 बार हम फोन कर चुके हैं। क्या बोले हैं? हम बोले कि देखिए अतिका कहा ना, हम गाँव का प्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधि नहीं हैं, जो भारत सरकार के खाद्य मंत्री हैं रामविलास जी, उस पार्टी का मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ बक्सर का, लोजपा का। आप संभल जाइए, हम मौका दे रहे हैं आपको। जितने जितने मेरे डीलर के यहाँ लाभुक की संख्या है, वो मुझको सूची उपलब्ध कराइए। हम 2 साल तक देखते रह गए, अभी तक मुझको सूची नहीं मिला कि किस डीलर के यहाँ कितना माल का उठाव है, किस डीलर के यहाँ कितना लोग का नाम है, कितना कार्डधारी है, समझ गए ना, कितना कार्डधारी है, वो मुझको सूची उपलब्ध करेंगे। हाँ मुखिया जी कल करा देंगे, परसों करा देंगे, 2 दिन के बाद करा देंगे। इसका भी आया यहाँ 1 माह हो गया, लेकिन अभी तक मुझको सूची उपलब्ध नहीं कराया। बहुत ही मनमानी ढंग से यहाँ जिन सब काम कर रहे हैं। एक जैसे हर 1 माह का माल उठाते हैं लोग, राशन का दुकान तो रोज चलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रजिस्टर में तो रोज ना देना है। ये लोग क्या करते हैं कि 1 महीना का माल उठा उठा 30 रोज ले गए, 30 रोज ले गए तो जो अगला माह का माल है उसी में इसको खपत कर दिया। 1 माह का दिया, 1 माह का एमओ के साथ मिलकर गमन हो गया, माल बेचा गया, एमओ के पास पैसा चला गया, एमओ जहाँ देते होंगे वहाँ देते होंगे। तो आपने कहाँ कहाँ तक शिकायत किया? हम तो शिकायत कहाँ कहाँ कहे, हम तो एमओ से जाकर कहे, बीडीओ से जाकर कहे, पहले बीडीओ थे उससे जाकर कहे, फिर इस डीओ साहब के यहाँ कहे, तो प्रमोद बाबू बदल गए, इसके बाद से जिला में जाकर कहे। तो जो अब नए वाले पदाधिकारी हैं उनसे अभी नहीं बोले आप? बोल दिए हैं, 3 बार बोले हैं, कौन फोन लगा पूछिए उनसे, बोले हैं कि नहीं बोले हैं। अच्छा, 3 बार बोला है कि अभी आपको सूची उपलब्ध कराते हैं। हम बोले कि जितना मेरा पंचायत का सूची है, जितना मेरा पंचायत का आवंटन उठ रहा है, किस किस लाभुक किस किस दुकान पर है, उसका मुझको चाहिए कि नहीं, उसका सूची चाहिए ना, तभी ना हम जानेंगे कि फलाने क्रेता के यहाँ फलाने दुकानदार के यहाँ इतना आदमी का नाम है, इस दुकानदार के पास इतना आदमी का नाम है। कई दुकानदार ऐसे हैं कि जो लाभुक सब जाते हैं तो दरखास्त मेरे पास आया, तो जाओ जाओ आपका राशन है, जाओ क्या कर लगा, डीएम तक ले जाओ, कुछ डीएम हमको कुछ करने वाला नहीं है, और दरखास्त भी हमने जाकर दे दिए वहाँ, तो उस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। कितना दिन का ये बात हुआ? अरे 1.5 महीना पहले हुआ, साल भर पहले, कई बार दरखास्त अपने हाथ से दिए, लेकिन कहाँ सब दरखास्त धर देता है, ठंडा अवस्था में डाल देते, कोई पता ही नहीं है। इसलिए आप बार बार दोहरा रहे हैं कि पूरा भ्रष्ट हो गया ब्रह्मपुर प्रखंड, ब्रह्मपुर प्रखंड पूरा बिहार में भ्रष्ट प्रखंड के नाम से अब गिना जाएगा, अगर भारत में भी गणना किया जाए तो 1 नंबर ब्रह्मपुर प्रखंड में रहेगा। जैसा कि आपने देखा मुखिया जी 7 निश्चय योजना से खुश हैं, वो अपना 7 निश्चय योजना वाला काम करा रहे हैं, अच्छी योजना बताया उन्होंने,
अच्छी योजना बताया उन्होंने इस सात निश्चय योजना को, बस उन्हें शिकायत आ रही है शौचालय में। शौचालय में इनका कहना है कि दो दो हजार रुपए के हिसाब से प्रति आदमी से प्रति शौचालय पर वसूला जा रहा है पैसा, और भी पुराना शौचालय जो बना उसका पैसा अभी तक वापस नहीं आया पैसा बन के। उसके अलावा दो हजार रुपए सभी लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जन वितरण प्रणाली में भी बहुत सारा हेरफेर किया जा रहा है। इस महीने का अगले महीने में दिया जा रहा है, अगले महीने का छोड़ दिया जा रहा है, उसका लोग बेच दे रहे हैं, हटा ले रहे हैं अपना। कुल मिला के मुखिया जी का कहना है कि ये ब्रह्मपुर प्रखंड जो हमारा है यह बिहार में नंबर वन भ्रष्ट प्रखंड है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। काफी मुखिया जी नाराज है अपने प्रखंड से। बहुत अच्छा लगा मुखिया जी से बात करके। समृद्धि न्यूज चैनल के साथ राजा तिवारी, कैमरामैन संजय ओझा के साथ।